इसलिए कि हमको ये बात आज से 2 महीने पहले फोन करके उस बंदी को मना किया था, साफ स्पष्ट मना किया था कि तुम मेरे बेटे बहू से दूर रहो को इतना ना बस में करके रखो। उसको इतना भी समझ नहीं था कि हमारे पति किस निगाह से किस औरत को देख रहा है। उस समय दोनों आँख फोड़ देना चाहिए और उस औरत को इतना मार मारना चाहिए ना, अपने घर में चप्पल से मारना चाहिए। ये कैसे बर्दाश्त कर ली यार, हम यही सोच आ जाए ना तो उसको वो हसर करेंगे ना कि एक औरत के नाम पर उसको काली ऐसी औरत हो। एक पति तो तुम्हारे साथ रहा नहीं, दूसरे को पति को छीन कर और तुम सोचो कि हम अपना घर बचा लें, दूसरे का घर का चिराग बुझा कर तुम अपने घर में रोशन करने चली। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू पैम मैम्स चैनल। सो जैसा कि आपने ये वीडियो देखा तो आप लोगों ने सुना होगा आंटी जी क्या कह रही है। तो आंटी जी यहाँ पे अपने वीडियो में पूरा का पूरा ब्लेम जो है नेहा के ऊपर डाल रही हैं और ये कह रही हैं कि कुछ वशीकरण कर दिया था नेहा ने, कुछ खिला पिला के या जैसे भी, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मनीषा अभी बच्ची है और उसको इतनी भी समझ में नहीं आई कि मेरा हस्बैंड किस नज़र से दूसरी औरत को देख रहा है, उसे इतना भी नहीं पता चला और इतना सब कुछ वो सहन करती गई। और ये बातें उनको 2-3 महीने पहले ही पता लगी है और जब इन्हें पता लगी है तब इन्होंने नेहा को फ़ोन करके ये बोला कि मेरे बेटे और बहू से दूर रहना। तो हम इस वीडियो में ट्राई करेंगे समझने का कि क्या हर वक्त अपने बेटे को कवर अप करना ज़रूरी है। देखो मेरे हिसाब से मनीषा चलो दूसरे घर से आई है, कई बार ऐसा होता है कि मतलब सब कुछ पता होता है लेकिन क्या होता है ना, डर होता है, बदनामी का डर या फ्रेंड सर्कल में कैसी खिल्ली उड़ेगी, अरे तेरी तो शादी हुई थी, क्या हो गया, तेरा पति किसी और के ऊपर कैसे जा सकता है। एक टैबू बन जाता है ये चीज़ें ओपनली बताने में लोगों को, तो इस वजह से बहुत सारी औरतें ना चुप हो जाती है। उनको कहीं ना कहीं होप होता है कि अरे मेरी सास ने बात की है, जिसके साथ में चक्कर चल रहा है उससे बात की है, उसे समझाया, तो देखते हैं चलो क्या होता है, ऐसा ऐसा करके, क्या पता ऐसा सोचा हुआ होगा, है ना। क्योंकि मतलब जो भी नई नई बहुएं होती है ना अपने घर में, उनको 1-2 साल 3 साल तो एडजस्ट होने में ही लग जाता है। लेकिन यहाँ पे ना मामला थोड़ा सा अजीब है, मतलब ये भी बताने में शर्म आती है कि चक्कर चल रहा था, कौन सी कैसी टाइप की औरत के साथ में चक्कर चल रहा था। अगर मनीषा से बेटर लड़की होती तो थोड़ा बहुत समझ में भी आता कि बेटर लड़की है, पर यहाँ पे तो चक्कर चल रहा था एक शादीशुदा औरत से और वो भी बच्चे की माँ, एक बच्ची की माँ से चक्कर चल रहा था। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा टैबू है और बहुत ही घिनौना लग रहा है मेरे को। और मेरे हिसाब से ये इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं है। अगर ये लड़का अभी एक शादीशुदा और एक बच्चे की माँ से अगर अफेयर चला सकता है और उसको पूरा का पूरा ब्लेम उसके ऊपर फेंक रहा है कि इसने मेरे ऊपर कुछ जादू टोना कर दिया तो मेरा वशीकरण हो गया, मेरा दिमाग नहीं चला, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि दिमाग नहीं चला होगा, हर किसी के पास अपना दिमाग होता है। मेरे हिसाब से मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या वशीकरण से अगर ऐसा कुछ हुआ जा सकता होता तो दुनिया में इतने सारे ब्रेकअप्स होते हैं, इतने सारे डिवोर्सेस होते हैं, वो रुक नहीं जाते क्या, अगर वशीकरण कराने से सब कुछ हो जाता तो। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इनकी जो मॉम है सचिन की मदर, वो उसको कहीं ना कहीं कवर अप कर रही है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है। सारा का सारा ब्लेम किसके ऊपर फेंका जा रहा है, नेहा के ऊपर। नेहा गलत है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि नेहा गलत है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारा लड़का भी उतना गलत है, क्योंकि तुम्हारे लड़के ने मनीषा से शादी की, उससे कुछ प्रॉमिस उसने किया होगा कि ज़िंदगी भर उसका हाथ थाम के रखेगा, उसका टेक केयर करेगा और उसको संभालेगा। अगर यही चीज़ मनीषा ने की होती किसी और को यूट्यूबर के साथ में, मनीषा कहीं इन्वॉल्व होती, तो क्या आप लोग उसको वशीकरण, अगर मनीषा भी कहती कि मेरे ऊपर वशीकरण कर दिया था किसी लड़के ने, किसी शादीशुदा मर्द ने जिसका कोई बच्चा बच्चा भी है, अगर उसके साथ में मनीषा का चल रहा होता तो आप लोग ये चीज़ें डाइजेस्ट कर पाते क्या। तो ये चीज़ें क्या है ना, कहीं हमारी जो इंडियन कल्चर है उसमें क्या होता है कि
लड़के भी होते हैं घर में, लड़कियां भी होती हैं घर में, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कों को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है जब भी वो कोई कर्मकांड करते हैं तो उनकी करतूतों को ढका जाता है, ये बोल के एक्सक्यूज़ बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर बचपन से ही पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रिक्ट रहेंगे, या जो मोस्टली मदर्स होती हैं, लड़कों की मदर्स होती हैं जो अपने लड़कों को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखती हैं कि अरे मेरे लड़के में तो कोई खामी नहीं है, ये तो सामने वाले ने ब्लंडर किया इस वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, वरना ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो ये सारी जो मदर्स होती हैं ना वो एक्नॉलेज नहीं करती। यहाँ पे वो कह रही है कि ऐसे कैसे सहन कर लिया, आँखें फोड़ देनी चाहिए थी, ये था वो था। अब इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है कि नेहा का मैं ऐसे करूँगी कि उसे कालिक पोत के उसे चप्पलों से मारना चाहिए, तो यही करतूत क्या वो अपने बेटे के साथ में करेंगी? यही बिहेवियर वो अपने बेटे के साथ में भी करेंगी? क्योंकि यहाँ पे तो आप किसी की लड़की को शादी करके लाए हो और तुम्हारा बेटे ने उसका दिल तोड़ा है, तुम्हारे बेटे ने उसका दिल दुखाया है एक्स्ट्रा मैरिटल करके, है ना? तो क्या ये सेम बिहेवियर आप अपने बेटे के साथ करेंगे? आपने उनको उसको थप्पड़ लगाया है क्या सचिन को, कि क्या तूने क्या किया परिवार का जो तूने नाम खराब कर दिया, इतना सारा ब्लंडर, इतना सारा बट्ठा बिठा दिया इज्जत का? तो क्या आप उसको थप्पड़ वप्पड़ मार पाएंगे जो आप नेहा के लिए कह रहे हैं? मेरे हिसाब से नेहा ने जो भी किया ठीक है, इक्वली गलत तो सचिन भी है। इसको ये कह के बिल्कुल भी नहीं टाला जा सकता कि उसके ऊपर वशीकरण हुआ था या कोई या जादू टोना हुआ था, क्योंकि अगर ये सेम एक्सक्यूज़ मनीषा बनाती, अगर उसका किसी के साथ में व्हाट्सएप पे चैट होती और किसी के साथ में उसका अफेयर चल रहा होता और वो बनाती ऐसे एक्सक्यूज़ कि अरे मेरा तो दिमाग नहीं चला, मेरे ऊपर तो वशीकरण हो गया था, तो क्या आप लोग ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर पाते? नहीं कर पाते। यहाँ पे मनीषा का एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैं यहाँ पे ये दूंगी कि हो सकता है कि उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं हो, चीज़ों को समझने की, चीज़ों को हैंडल करने की मैच्योरिटी नहीं हो, लेकिन आप लोगों में तो मैच्योरिटी थी। आप तो सचिन के पेरेंट्स हो, तो आप उसका व्लॉगिंग वगैरह जो भी है, जिससे भी वो बात करता था, जिससे भी वो मिलने जाता था, जो भी इन लोगों का ग्रुप है, जो यूट्यूबर्स का ग्रुप है जहाँ पे वो इन्वॉल्व होता था इस लड़की से, आप थोड़ा सा अपना कंट्रोल दिखाते, उसको थोड़ा रोकने की कोशिश करते तो आपके एंड से बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाती। अब आप यहाँ पे वीडियो डाल रहे हो और अपना जो इमेज है वो आप क्लैरिफाई कर रहे हो लोगों के सामने, ये दिखाने का ये दिखाना चाह रहे हो कि मैं तो अपनी बहू को बहुत सपोर्ट करती हूँ और ऐसे लड़के को तो ऐसा करना चाहिए था, वो वाली लड़की को तो कालिक पोत देनी चाहिए थी सामने वाली लड़की को। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इमेज वाइट वॉशिंग का एक काम किया गया है आंटी के द्वारा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो खुल के सामने नहीं आ पाती, क्योंकि ऐसी जो मदर्स होती हैं ना वो अक्सर अपने बेटों के ऊपर पर्दा ही डालती हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, मेरा ये रिएक्शन है, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को इस मैटर में क्या लगता है, क्या करना चाहिए था आंटी जी को। आप कमेंट करके अपना रिएक्शन, अपना जो भी डिकोड है वो आप बता सकते हैं। मिलेंगे लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट। बाय।